हाँ बताओ बेटी, कहिए फोन की थी, यहाँ सब ठीक है ना? कुछ ठीक नहीं है, आप तो एकदम साधु महात्मा जैसा बातें करने लग गए हैं। अरे तो कहा हमको तलवार भागने के लिए बुलाई थी? अरे बेटी का घर है, एक बेटी के घर में एक बाप जैसे बात करेगा वैसे नहीं करेंगे हम। हम आपको तलवार भाजने के लिए बोल रहे हैं? अरे वो जो बंदूक संदूक में रखे हैं, वो एक दो तो यहाँ चलवा सकते हैं ना। अम्मा जी हमको हमेशा घूंघट गिराने को कहती है, वो जो ननदिया है ना हमको ऐठ ऐठ के जवाब देती रहती है, अब वो भी है हमको हमेशा कुछ ना कुछ सुना ही देते है। हमको इस घर में कोनो आजादी नहीं है, हमको नहीं रहना है, पिंजरा है घर, पिंजरा। कोनो पिंजरा नहीं है, इस ससुराल है तुम्हारा, 6 महीना भी नहीं हुआ तुम्हारी शादी को और अभी से ही तुम्हें आजादी और मनमानी चाहिए, घूंघट करने में परेशानी हो रही है। अरे जब अनजान घर में लड़की बहू बनकर जाती है ना, तो सबसे पहले उस परिवार का मन जीतती है। वो तो तुम कर नहीं रही हो, तुम्हारा एक भी शिकायत उन्होंने आज तक हमसे नहीं की, लेकिन तुम देख लो कभी ननद का शिकायत तो कभी सास का शिकायत, पूरा शिकायत का बोझा लेकर अपने सर पर रखी हो। कान खोलकर सुन लो, जैसा तुम्हारा पति और जैसा तुम्हारी सासू माँ चाहती है वैसे रहो, ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है। हम समझ गए हैं, आप हमारा ब्याह क्यों जल्दी कर दिए थे, हम आपके लिए बोझ बन गए थे ना। अरे क्या अनसंत बोल रही हो तुम, माँ बाप के लिए बेटी कभी बोझ नहीं होती है, रखने को तो पूरा जीवन तुमको अपने साथ रख ले, लेकिन क्या तुम्हारा जीवन संभल जाएगा, कट जाएगा ऐसे जीवन? जीवन बहुत लंबा होता है बेटा, बिना माँ के तुमको पाले हैं, कभी डांटे नहीं है, अगर यहाँ तुमको कोई डांटने वाला है तो उसे अपना किस्मत समझो। ये घूंघट की बात को बथंगड़ मत बनाओ, ये घूंघट करना, लाज करना, शर्म करना, ये तो औरत का गहना है, कोनो पाबंदी नहीं है, ये तो औरत का श्रृंगार है, गांठ बांध लो हमारी बात का, एक दिन इसका अहमियत तुमको समझ में आएगा। और हाँ, आगे से तुम्हारे ससुराल का शिकायत हमको नहीं चाहिए, और हम नोटिस कर रहे थे कि तुम अपनी ननद को कैसे देख रही थी, ऐसे देख रही थी जैसे कच्चा चबा जाओगी। वो हमको कैसे देख रही थी ये नहीं दिखा आपको? अरे वो भी देखे हम। हाँ तो डरा दीजिए ना सबको। अरे हम तो खुद डर गए तुम्हारी ऐसी सोच से। अच्छा ऐसा हम क्या गजब सोच रहे हैं? इस ससुराल में बसने वाला लक्षण नहीं है तुम्हारा, और सुन लो आइंदा फालतू बात के लिए फोन मत करना हमसे, याद रखना इस बात को। ठीक है, याद रखेंगे हम।